नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा कि जोगिंदर सर, हम लैपटॉप यूज करते हैं, बहुत सारा यहाँ फाइल दिया रहता है स्क्रीन के ऊपर, आप बता सकते हैं कि जो माई पीसी दिया रहता है, मतलब दिस पीसी और माई कंप्यूटर, इसका क्या मतलब होता है, क्या क्या चीजें होती हैं? तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना यार, बहुत सारे मेरे व्यूवर हैं जो ना बेसिक चीज जानना चाहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में, तो वीडियो को देखिए, आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपके लाइफ में काम आने वाला। उसके बाद चैनल पहली बार आया हुआ है, आप कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनाएंगे ना तो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं लैपटॉप है, सब जानते होंगे ना ये, या तो आपके पास कंप्यूटर होगा, दोनों में सेम चीज होता है। इस लैपटॉप के अंदर विंडोज लोड होता है, जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, क्लियर है ना? मतलब ये जो लोडेड है इसको विंडोज कहते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है, समझ चुके हैं ना? तब इस विंडोज के अंदर जो चीजें होती है ना, तो हम लैपटॉप से बात करना है तो इसी चीज का जो होता है विंडोज का, अगर ये नहीं रहे, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इतना समझ चुके हैं ना, एकदम बेसिक तरीके बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि देखिए, इतना चीज है ना, तो अब ये क्या कि ये फाइल है, 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 सब फाइलें खुली हुई ना, तो ये फाइल कहीं ना कहीं एक होता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे घर के अंदर एक गार्जियन होता है, मतलब एक पेरेंट होता है, जैसे हमारे फादर हो गए, तो फादर क्या है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उन फादर के नीचे ही और लोग है ना, भाई बहन हो गए, हमारी मम्मी हो गए, सब लोग हो गए, क्या उनके नीचे आते रहते हैं। क्लियर है ना? तो सेम लैपटॉप पे भी क्या होता है, एक गार्जियन होता है, एक पेरेंट होता है, उसी गार्जियन और उसी पेरेंट के नीचे सारी फाइलें होती हैं, सारे फोल्डर होते हैं। तो वो पेरेंट और गार्जियन कौन होता है, वो होता है दिस पीसी, जो कि आपको विंडो 10 मिल जाएगा, या विंडो एक्सपी यूज करेंगे तो उसमें माई कंप्यूटर नाम से मिल जाएगा। क्लियर है ना ये चीजें? तो हम आज दिस पीसी और इसी बारे में बताना स्टार्ट करते हैं कि मतलब इस पूरे स्क्रीन का ना वो फादर है, मतलब मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। इस कैमरे पास लिखा है, बता दो आपको मैं, देखिए ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, दिस पीसी लिखा है ये। अब दिस पीसी, अब इतने चीजें फोल्डर दिए, जितना फाइल दिख रहे हैं, सारा चीज इसी के अंदर है, ये सिर्फ ये शॉर्टकट बना, लेकिन मेन होल एंड सोल ये है। क्लियर है ना? अब देखिए, इसको मैं दो बार जो है माउस से क्लिक करके खोल लेता हूँ, इसमें दो बार क्लिक कर लीजिए, आपके पास दिस पीसी हो, अगर ये वाला, अगर ये दिस पीसी यहाँ पर नहीं आ रहा हो तो इसको कैसे लेकर आते विंडो 10 के, देख लीजिए, भी जान लीजिए। तो यहाँ पे एक राइट क्लिक करेंगे माउस से, क्लियर है, यहाँ फिर आएगा पर्सनलाइज आएगा, अगर नहीं आता हो तो इस पर क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद में फिर आप देखेंगे तो एक नया विंडोज खुल के आ जाएगा, एक नया विंडो खुल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है शोइंग डेस्कटॉप आइकॉन, दिख रहा ना, यहाँ दिख के आ रहा है, यहाँ दिख के वो नया क्लिक कर लीजिए, थीम पे क्लिक कर दीजिए आप, दिख रहा थीम आ रहा है, तो थीम पे सिंपल आप ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर थीम पे क्लिक करेंगे तो देखिए लिख के आ गया डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग, ये क्लियर है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हमारे ना यहाँ पर टिक मार्क है, डेस्कटॉप आइकन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर टिक है, यूजर के ऊपर टिक है, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ से हटा अनटिक कर देता हूँ, इसको मान लीजिए इसको अनटिक कर देता हूँ, अब देखिए अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, अब देखिए डेस्कटॉप से वो गायब हो गया, जो आप देख रहे थे दिस पीसी, देखिए आप खोजेंगे इससे पहले खोज लीजिए, ये मतलब पूरा खोज लेंगे, आपको दिस पीसी कहीं पे जो था या माई कंप्यूटर आपको मिलेगा नहीं। क्लियर है? तो आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में गायब हो जाए तो कैसे लेकर आते, देखिए फिर राइट क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर राइट पर्सनलाइज के अंदर लेकर आइए, और यहाँ पे फिर खुल के आ जाएगा, उसके बाद जो है फिर थीम पे आइए, और थीम के आने के बाद में डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग पे क्लिक कर लीजिए, और देखिए ये टिक नहीं था, टिक था, इसको टिक कर लीजिए, फिर इसको अप्लाई करिए, फिर इसको ओके करिए, अब देखिए अब यहाँ पर दिस पीसी आपका आ गया ना। तो कहाँ से गैप किया था, कहाँ से लेकर आया था, मैं यहाँ से ला दिया इसको मैं। अब देखिए अब इसको खोल लेते हैं, इसको मान लीजिए दो क्लिक करेंगे इसके ऊपर, हम ऐसे दो इसको हम जो है क्लिक कर लेते हैं, अभी क्लिक करेंगे तो देखिए खुल के आ गई, ये एक विंडोज खुल के आ गया। तो अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते देखिए, तो ये जो माई पीसी इतने सारे फोल्डर फाइल रखे हुए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या इसके अंदर है, ये ड्राइव है, लोकल लिखा ना, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, मतलब लैपटॉप का ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लोड करते हैं वो इसी ड्राइव के अंदर लोड करते हैं। क्लियर है ना? ये क्लियर है, ये बहुत, इसमें से कोई फाइल डिलीट नहीं किया जाता, इसके फाइल सेव नहीं किया था, अक्सर आपको फाइल सेव करना है, कुछ करना है तो आप डी ड्राइव में करिए, इसको छेड़खानी मत कीजिए ड्राइव के अंदर। देखिए मतलब मान लीजिए इसको खोलता हूँ मैं, तो इसको दो बार क्लिक करता हूँ, देखिए ये जो फाइलें पड़ी हुई है ना, ये आपको लैपटॉप को चलाने के लिए काम आता है। तो मैं जो नए लोग हैं तो कहूँगा इस ड्राइव के अंदर इस जगह आप काम मत करिए, क्लियर। लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास लैपटॉप होगा या लैपटॉप खरीदे होंगे, तो उनके लैपटॉप के अंदर ना सिर्फ ये लोकल डिस्क सी मिलेगा और ये लोकल डिस्क डी नहीं मिलेगा, और किसी किसी लैपटॉप के अंदर सी मिलेगा, डी मिलेगा, ई मिलेगा, एफ मिलेगा, मतलब
कि जो इस लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क लगा हुआ है जिसके अंदर डेटा सेव करते हैं, मान लीजिए 1 TB का लगा हुआ है या 500 GB का लगा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, उसका इस लैपटॉप पार्टीशन बन चुका है। जैसे ये लैपटॉप है इसके अंदर लगा हुआ SSD 120 GB का, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा, मान लीजिए एक जो है 62 GB का है और एक जो है 50 GB का है, कर रखा है ना। तो हम इसके अंदर विंडोज़ की फाइल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वाली फाइल, वो यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन जो डेटा हमको सेव करना है ना, जो फाइल फोटो पिक्चर सेव करना, हम यहाँ सेव करते हैं, ठीक है, डी ड्राइव के अंदर, लोकल डिस्क के अंदर, क्लियर ना। देखिए हमारा पूरा फाइल इंपॉर्टेंट फाइल यहाँ पड़ा हुआ है, तो कल के डेट में विंडोज़ करप्ट हमारा हो जाता है, कुछ फाइल डिलीट हो जाती है, तो ये होगा तो हमारा डेटा बचने की संभावना होता है, इसलिए हमेशा आपको डेटा सेव करना है तो डी में सेव करिए, ई में सेव करिए। अब देखिए ये आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपके लैपटॉप में सिर्फ एक ड्राइव बना हुआ है, लोकल डिस्क सी बना हुआ है, आप चाहते हैं कि सी से जो है डी बना दे, ई बना दे, या डी बना हुआ इसको ई एक और बना चाहते हैं, तो सिंपल देखिए क्या करना होता है, आप यहाँ से चाहते हैं इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब लिखा हुआ दिस पीसी, यहाँ राइट क्लिक करिए, लिखा हुआ मैनेज, लिखा हुआ लिखा ना मैनेज, मैनेज पर क्लिक करिए, मैनेज पर क्लिक करेंगे फिर वेट कर लीजिए, डिपेंड करता है स्पीड क्या आपके लैपटॉप की, तो टाइम लगातार एक विंडोज यहाँ खुल के आ गया। अब इस विंडोज के देखिए लिखा हुआ डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब बता रहा हूँ कि पार्टीशन जो है कैसे बढ़ाते हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, जब क्लिक करेंगे तो आपके लैपटॉप में क्या लगा हो, 112 GB का लगा होता है, 111 GB खा रहा है, तो एक सी ड्राइव है और एक डी ड्राइव है, ये देखिए 553 MB का, इसको छोड़ दीजिए। तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं डी के ऊपर, यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ सिंक वॉल्यूम, दिख रहा ना सिंक वॉल्यूम, इस पर क्लिक कर लीजिए सिंक वॉल्यूम करने के बाद में। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि कुछ आप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लीजिए कि तब इतना GB हम कर लेते हैं, ठीक है 5 GB, ये दिखाने के लिए आपको एक ड्राइव बना रहा हूँ, आप ज़्यादा चाहते करने के लिए ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब जितना टोटल इसका पार्टीशन कर सकते हैं आप, इस जो GB दिया हुआ है, ठीक है सिंक कर दिया हमने, करने के बाद सिंक कर लिए, देखिए पार्टीशन इसमें से कुछ जगह कट के ना यहाँ अलग हो गया है, मतलब 5 GB का, इसको राइट क्लिक करते हैं, इसको फॉर्मेट करना पड़ता है, फॉर्मेट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 पे क्लिक करें, कुछ नहीं करना नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए एक ड्राइव और बन के आ गया, अब इसको हम बंद करते हैं, यहाँ से दिखाते हैं आपको हमें, तो हमारा दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो है एक हो गया सी ड्राइव हो गया, एक हमारा डी ड्राइव हो गया, हमारा एक एफ ड्राइव हो गया। अब कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल रखना है, फोटो रखना, हम कहाँ रखेंगे, हम इसके अंदर रख लेंगे, क्लियर है ना। तो इसको मत छेड़िए, लोकल डिस्क सी के अंदर, आप डी के अंदर कर सकते हैं, आप ई के अंदर कर सकते हैं, इसको काम करके कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे लगता है कि लैपटॉप यूज़ करते हैं ना, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव क्या होता है, ये मतलब कि कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क या लैपटॉप के जो हार्ड डिस्क लग रहा था उसी का स्टोरेज डिवाइस उसका पार्ट होता है दोस्तों। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि दिस पीसी मतलब कि माई कंप्यूटर, दिस पीसी जो कहना चाहे उसको कर सकते हैं और ये उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके लैपटॉप में अगर पार्टीशन नहीं अगर हो, एक ही पार्टीशन अगर हो, तो इस तरीके उसको सिंक वॉल्यूम कर सकते हैं, या आपके पीसी या तो कंप्यूटर आपके दिस पीसी वाला जो है आइकन हट गया हो तो उसको कैसे ला सकते हैं। दोस्तों वीडियो बना के बता दिया आपको मैं, वीडियो आपको पसंद आपको आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए पहले क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, फिल्म लेंगे किसी एपिसोड में, किसी टॉपिक साथ में, तब तक लोग को नमस्ते दोस्तों।